बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान पर पहुंच गया हमारा इसरो। हमारा जो मित्रों है वो मणिपुर नहीं पहुंच पाया, ये हम देश की जनता को दुख है। ये दूर है क्या मणिपुर चंद्रयान चंद्रमा से? मोदी जी से पूछिए कि मणिपुर अभी तक नहीं पहुंच पाए और हमारा इसरो चंद्रयान 3 पहुंच गया चांद पर, तो ये बताइए ये दुख की बात है नहीं है? लेकिन बड़ा काम क्या है मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में यार? ये मोदी सर मोदी की कहाँ उपलब्धि बता रहे हो क्या? मोदी जी रॉकेट पे बैठ के गए थे क्या? कि ये हम तो देखते हैं कि नेहरू जी की उपलब्धि है। मोदी जी की सरकार में हुआ है ना जो चंद्रयान 3 कामयाब। अच्छा, इसके पहले चंद्रमा पर हम नहीं गए थे? पहली बार गए क्या? पहले गए थे ना, तो उसको क्यों नहीं बता रहे हैं? लेकिन पर्चे तो मोदी सरकार के लग रहे हैं, बड़े बड़े बैनर मोदी जी के। मोदी जी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग से आए हुए हैं। इस बार इनका ब्रांडिंग हम नोच लेंगे अपने वोटों के माध्यम से। जनता खड़े हैं और कह भी रहे हैं मोदी जी से कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा। और आगे हम पोलिंग बूथ से जनता कहेंगे कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, अजी लाख जुमला में छुप जाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ कर। यार ये लोग कुछ भी घोषित करते हैं, आपको नहीं पता कि अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी को राष्ट्र ऋषि घोषित कर दो, राष्ट्रपिता भी बनने की कोशिश करते हैं। ये घोषित तो कुछ भी करते हैं, तो हम जनता मानेंगे तब ना। आज ये जातिवाद के लिए डॉक्टर रितु बैठी है यहाँ पर, तो जातिवाद के ही तो हम अगेंस्ट हैं। जात धर्म की राजनीति होनी चाहिए, बताइए आप पत्रकार हैं, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम जनता जो है भारत के हर गली चौराहे पर बैठ गए हैं और इनको भागने नहीं देंगे। तो बार बार हम कह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री की हम जनता दौड़ा के सुताई करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं मोदी जी? और सुताई करेंगे हमारे वोटों से। ये कहे थे ना मेरे को चौराहे पर बुलाना, तो नोटबंदी में कहे थे, तो गलती निकल गई है? नहीं, नोटबंदी सफल हुआ है, बताइए पत्रकार है आप? अभी तो कामयाब नहीं हुआ। खैर, तो हम चौराहे पर बुला के सुताई नहीं करेंगे इनकी? अरे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सुताई करना बुला के, मैं थोड़ी कह रहा हूँ इससे, वोट से। हम भीमराव अंबेडकर जी ने हमको यही एक अधिकार दिया है। अरे बाबा साहब को संविधान बदला जा रहा है अब तो हम इनको बदल देंगे ना। 24 कहाँ करी, ज्यादा दूर है क्या? 50 तक जबरदस्ती नहीं रह जाएंगे ना। हमने इनको कुर्सी दिया है, ये बताइए तो क्या फेविकोल लगा के चिपका के बैठा दिया क्या? ये जितने भी प्रोपोगंडे में फंसा रहे हैं, ये बताइए ये निकल पा रहे हैं क्या? खुद ही फंस जा रहे हैं। हाँ ये बताइए, खुद ही फंस जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ जो भी ऊपर मुंह करके थूकेगा उसके मुंह पे पड़ना है। मोदी जी ने जितना भी सीएम रहते थूका था, सब पड़ रहा है उनके ऊपर। बताइए आधार कार्ड का विरोध किसने किया था? भाजपा ने किया था। हाँ भाजपा ने नहीं, मोदी ने किया था। किया था नहीं किया था बताइए? पेट्रोल डीजल महंगा पर प्रधानमंत्री को घेर कौन रहा था? मोदी जी ने। डॉलर जब बढ़ रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि जब जब डॉलर बढ़ता है प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। तो बताइए मोदी जी ने जितना भी ऊपर मुंह करके थूका है, पड़ रहा है कि नहीं? अरे टॉप 3 में आएगा भारत सर, अब 5वें पर चल रहा है अब इस टाइम। बताइए पत्रकारिता भी हम देख करके इतने शर्मिंदा हैं पत्रकारों को देख करके कि हिसाब के बाद पत्रकारिता नहीं थेतरी हो रही है। हाँ देश तरक्की नहीं धरा रसातल में जा रहा है और तुम तरक्की करवा रहे हो। चंद्रमा पहुंच गए हिंदू राष्ट्र सर। आज मंदी से है,
मंदी से जूझ रहा है, तुम बुलंदी बता रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर गया कि पत्रकार भी शौचालय के कम्बोर्ड में मुंह डाल के बेहोश हो जाएंगे, ये हमने कभी जनता ने नहीं सोचा था। पर सम्मेलन जो G20 हो रहा है, ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ये जो G20 में जितने भी राष्ट्र हैं सबको अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो मोदी जी ने सीना फुला कर मैं ही उनको डुबाएगा। अरे दुनिया दिल्ली सड़ सज गई है पूरी तरह से। अच्छी बात है, मैं किधर विरोध कर रहा हूँ। मोदी जी वो एक प्रधानमंत्री साबित हुए हैं जो दुल्हन जो है सास को देख करके रोटी जब बेलती है ना तो चूड़ियाँ ज़्यादा खनकाती हैं, ताकि सास को लगे कि बहू काम कर रही है। वही हम जनता को देख करके जबरदस्ती ब्रांडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए, दिल्ली की सड़कों पर जाइए, बस स्टॉप पे लिखा हुआ है कि मोदी जी ने 2,61,00,000 शौचालय बनवा दिया, और ब्रैकेट में इज्जत घर लिखा है। तो बताइए, ये भाजपा ही शौचालय को इज्जत घर मानते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत को इज्जत ही नहीं मानते भाजपा ही। और विद्यालय कहीं दिख नहीं रहा है, शिक्षा का स्तर एकदम डाउन है, दिल्ली में पर बात नहीं हो रही है। दिल्ली में शिवलिंग लगा दिए हैं जगह जगह पर, जाओ तैरो ना स्विमिंग पे, शिवलिंग पूजा करिए आप चौराहे पर, जाओ करो पूजा। और उस मंदिर के सीढ़ियों के बाहर हमारे बच्चों को भीख मांगने के लिए बैठा दो, यही तो तुम चाहते हो। तुम पत्रकारों का तो यही तो रोना है यार। विदेशी मेहमान आएंगे तो ये नहीं देखेंगे मणिपुर में औरतों का कचरा कपड़ा खींच लिया गया था, वो विदेशी मेहमानों को नहीं पता चलेगा। चंद्रयान चला गया तो उससे देश के बेरोजगारों की जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो गई। बताओ, विज्ञान काम नहीं कर रहा आपकी नज़र में? अरे विज्ञान काम कर रहा है, लेकिन 1.5 साल से उनका वेतन भी तो रोक लिए तुम यार, उस पर बात करो ना, वो कैसे उनका घर चलेगा बताओ। मोदी जी ने 35 साल भीख मांगा तो पूरे देश से मांगेंगे मोदी जी के हाथ का? अरे बोलने से होता है क्या? अरे यार ये बताओ, अगर चाय वाला मैं मानता भी हूँ मोदी जी को, तो देश का इंस्टीट्यूशन चाय पत्ती समझ के बेच रहे हैं, उस पर सवाल उठाओ। क्यों बेच रहे हैं? बेच नहीं रहे हैं। ये बताओ, दाम रख दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं बैंक सबको, बेचे कहाँ? इसीलिए मैं तुम्हारी पत्रकारिता पर शक कर रहा हूँ कि जब पहले बजट आता था देश का तो ब्रीफकेस में आता था, और रेल का अलग बजट आता था, और हम देश की जनता रेल की बजट पर टकटकी लगा के देखते थे कि रेल यात्रियों के लिए कुछ मिलेगा, सीनियर सिटीजन को भी कुछ मिलेगा, मेरी माँ बहनों के लिए भी कुछ मिलेगा। आज उस बजट को मर्ज करके पोटली में ला करके उसको आप उपलब्धि बता रहे हो और छाती फुला रहे हो। वंदे भारत की जो बात कर रहे हो आप, ये बताओ कि कभी तुमने मोदी सरकार से ये जाके पूछा कि उस वंदे भारत में जो लोअर मिडिल क्लास के नीचे जो जनता है वो बैठ पाएगी या नहीं?